हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दो लाइंस के साथ। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये वादा किसी और से नहीं खुद से किया है। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में हम लोग कुरमाली और इंग्लिश के डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। साथ ही इस ग्रुप में डेली कुरमाली क्विज भी लिया जाता है, तो आप ज़रूर इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। हम लोगों ने जो कुरमाली मॉक टेस्ट का जो सीरीज स्टार्ट किया था, उस सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। लेक्चर के एंड में एक आप लोगों के लिए एक शायरी है, तो उसके लिए ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। और आप सभी कमेंट करके बताइएगा आपके टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, पूरे ईमानदारी के साथ। और कोई भी अगर आप हमें सजेशन देना चाहते हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पासिक तेहे कौन आईजी कर व्यवहार करल जाए, यानी कि पास के लिए कौन से सर्वनाम का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए मो, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी पो या ऑप्शन डी चो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ई, यानी कि पास के लिए सर्वनाम ई का व्यवहार किया जाता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेठापाल काकर रचना है, यानी कि नेठापाल किनका रचना है। ऑप्शन ए नीता चंद्र महतो, ऑप्शन बी बिनंत सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर एच एन सिंह या ऑप्शन डी निरंजन महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निरंजन महतो, यानी कि नेठापाल जो है निरंजन महतो जी का रचना है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेतियाला साड़ा कर पाइन हेक, यानी कि पेतियाला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए पे, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी याला या ऑप्शन डी आला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आला। पेती याला में जो है आला प्रत्यय लगा है। मैंने बहुत ही डिटेल्स में पाइन यानी कि प्रत्यय वाला लेक्चर कराया है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काचा साड़ा कर माने किना है, यानी कि काचा शब्द का मतलब क्या है। ऑप्शन ए पहनने का वस्त्र, ऑप्शन बी लुगा साफ कोरा, ऑप्शन सी ए आर बी या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए आर बी, यानी कि काचा शब्द का मतलब जो है पहनने का वस्त्र और लुगा साफा करा, ये दोनों होता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खासिया कहाँ पिंधत, यानी कि खासिया कहाँ पहनते हैं। ऑप्शन ए नाके, ऑप्शन बी हाथे, ऑप्शन सी काने या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाथे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द राइजिंग सन काकर रचना है, यानी कि द राइजिंग सन किनका रचना है। ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी डॉक्टर एच एन सिंह, ऑप्शन सी अनंत केसरियार या ऑप्शन डी भागीरथ महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनंत केसरियार, यानी कि द राइजिंग सन जो है अनंत केसरियार जी का रचना है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काठ साड़ा कर माने किना है, यानी कि काठ शब्द का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए जलाई काट, ऑप्शन बी 40 पोयला, ऑप्शन सी ए आर बी या ऑप्शन डी कोनो नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ARP। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली माने ध्वनि के किना कहल जाए, यानी कि कुरमाली में ध्वनि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मुहाइन, ऑप्शन बी काथा, ऑप्शन सी आहना या ऑप्शन डी धमस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धमस, यानी कि कुरमाली में जो है ध्वनि को धमस कहा जाता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेचुआ कहाँ पिंधत, ऑप्शन ए गोड़े, ऑप्शन बी नाखे, ऑप्शन सी काने या ऑप्शन डी बाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाएं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंधरिया रात कर लेखक है, यानी कि आंधरिया रात के लेखक कौन है। ऑप्शन ए नीताई चंद्र महतो, ऑप्शन बी सृष्टिधर महतो, ऑप्शन सी डॉक्टर NK सिंह या ऑप्शन डी निर्मल महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीताई चंद्र महतो, यानी कि आंधरिया रात जो है नीताई चंद्र महतो जी ने लिखा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपन्यासकार रूपे जानल जाए, यानी कि इनमें से कौन जो है उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए लक्ष्मीकांत महतो, ऑप्शन बी कालीपद महतो, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ महतो या ऑप्शन डी राधाकांत महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ महतो। इनमें से जो है सुरेंद्रनाथ महतो जी को जो है उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुड़िया कर उल्टा साड़ा, ऑप्शन ए चेका, ऑप्शन बी तीता, ऑप्शन सी कांचा या ऑप्शन डी सूखल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीता, यानी कि गुड़िया कर उल्टा साड़ा तीता। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान आंगा कर कीना गुनीन है, यानी कि मान जो संज्ञा शब्द है इसका गुनीन यानी कि विशेषण क्या है। ऑप्शन ए मान गौर, ऑप्शन बी निही माना, ऑप्शन सी माना या ऑप्शन डी माना ही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मान गौर। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छो नाचे मुहे गिना पिंधी के नाचत, ऑप्शन ए फेटा, ऑप्शन बी मोहड़ा, ऑप्शन सी चश्मा या ऑप्शन डी सभे गीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहड़ा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्मल मातो कबे झारखंड मुक्ति मोर्चा माने शामिल हेल रहे, यानी कि निर्मल मातो झारखंड मुक्ति मोर्चा में कब शामिल हुए। ऑप्शन ए 15 दिसंबर 1980, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1980, ऑप्शन सी 15 जनवरी 1980 या ऑप्शन डी 15 मार्च 1980। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 दिसंबर 1980, यानी कि निर्मल महतो जी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में 15 दिसंबर 1980 में शामिल हुए। मैंने बहुत ही डिटेल्स में निर्मल महतो टॉपिक पे लेक्चर बनाया है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बागाल कर सांगी लेखा कीना है, ऑप्शन ए बागाल गीला, ऑप्शन बी बागाल गीली, ऑप्शन सी बागाल टा या ऑप्शन डी बागाल टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बागाल गीला। सांगी लेखा का मतलब होता है बहुवचन। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी आंगा कर कीना गुनीन है, ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी पानी टा, ऑप्शन सी पेनियाल या ऑप्शन डी पानी टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेनियाल, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बूली महतो कर बापेक नाम कीना रहे, यानी कि बूली महतो जी के पिताजी का नाम क्या है।
ऑप्शन ए करम महतो, ऑप्शन बी धर्म महतो, ऑप्शन सी समल महतो या ऑप्शन डी कमल महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कमल महतो, यानी कि बुली महतो जी के पिताजी का नाम कमल महतो है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवरंग टुसु गीत काकर रचल है, यानी कि नवरंग टुसु गीत किनका रचना है। ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ महतो, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ महतो, ऑप्शन सी बुधु महतो या ऑप्शन डी कालीपद महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ महतो, यानी कि नवरंग टुसु गीत जो है देवेंद्रनाथ महतो जी का रचना है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हम लोग का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। नरोत्तम दासेक जन्म कौन गाँवे हेक रहे, यानी कि नरोत्तम दास का जन्म जो है कौन से गांव में हुआ। ऑप्शन ए बुंडू, ऑप्शन बी सिल्ली, ऑप्शन सी टोड़ाग या ऑप्शन डी झालदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोड़ाग, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये था कुरमाली मॉक टेस्ट पार्ट टू। आप कमेंट करके बता सकते हैं आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और आपके टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए पूरे ईमानदारी के साथ। और अगर कोई भी आप हमें सजेशन देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था लेक्चर के एंड में आप लोगों के लिए एक शायरी है, तो आप लोगों के लिए एक शायरी। आपकी याद आए तो दिल क्या करे, आपकी याद आए तो दिल क्या करे, या दिल से ना जाए तो दिल क्या करे। सोचता हूँ कि मुलाकात होगी सपनों में, सोचता हूँ कि मुलाकात होगी सपनों में, मगर नींद ही ना आए तो हम क्या करें। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मन लगा के पढ़ाई करें। तो दोस्तों आज के सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए कुरमाली मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी। आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।